गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, एजीके 111 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डाउन रेड। दोस्तों ये डाउन रेड होता क्या है दोस्तों? तो दोस्तों कभी भी आप कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी भी आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उधर जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर की रेड होती है उसको डाउन रेड बोलते हैं दोस्तों। तो उसको क्या कहते हैं डाउन रेड को, क्या होता है? इज एन अनएक्सपेक्टेड विजिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर यानी कि अनपेक्षित, ऐसी जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं उनकी अनपेक्षित विजिट होती है जो ऑफिस को, यानी कि अनएक्सपेक्टेड आपको अनपेक्षित विजिट जो होती है बिना बताए बिना प्लान के, तो उसको डाउन रेड बोलते हो दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे डाउन रेड आ गई तो उसमें कौन कौन आता है दोस्तों? पुलिस डिपार्टमेंट से होते हैं, टैक्स डिपार्टमेंट से होते हैं, लेबर इंस्पेक्टर हो सकता है दोस्तों, जो भी आपके कंपनी में काम कर रहे हैं उनको उम्र वगैरह चान पैन करने के लिए लेबर इंस्पेक्टर आ सकता है। टैक्स डिपार्टमेंट से आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के लिए आते हैं, अगर कोई केस वगैरह हो गया तो उनकी क्रिमिनल एक्टिविटी को चेक करने के लिए पुलिस आ सकते हैं। उसके बाद में एसीजेड ऑफिसर होता है दोस्तों, जो भी आपका मटेरियल है उसके बारे में छान पहचान करने के लिए एसीजेड ऑफिसर आ सकता है दोस्तों। उसके बाद में फूड इंस्पेक्टर होता है दोस्तों, आपके अगर कंपनी में कैफेटेरिया रहेंगे तो उधर का फूड जो होता है बनता है उसका इंस्पेक्शन करने के लिए फूड इंस्पेक्टर आ सकता है दोस्तों। उसके बाद फायर एंड एनवायरमेंट ऑफिसर आ सकता है दोस्तों, आपकी कंपनी की जो फायर एंड सेफ्टी है उसके बारे में चेकआउट करने के लिए फायर एंड एनवायरमेंट ऑफिसर भी आ सकता है। तो दोस्तों बहुत सारे ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो भी आपकी कंपनी में आ सकते हैं और वो आपकी कंपनी का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं और छानबीन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो भी ऑफिसर्स है वो अनएक्सपेक्टेड अनपेक्षित जब भी कंपनी में आएंगे तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? डाउन रेड। तो डाउन रेड में आपको क्या करना है, क्या उसका प्रोसीजर रहता है, आज के हमको टॉपिक में देखेंगे दोस्तों। दोस्तों कभी भी अगर इसमें से कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर आपके कंपनी में आता है, मेन रिसेप्शन मेन गेट पे आता है, तो दोस्तों कभी पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। तो क्या करना है दोस्तों, उनको जो भी है गुड मॉर्निंग हो, गुड आफ्टरनून हो, गुड इवनिंग हो, जो भी है उनको ग्रेटिंग करना है, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर। उसके बाद में दोस्तों ग्रेटिंग के बाद में उनको क्या करना है दोस्तों, रीजन पूछना है कि शांति से काम लेना है, पैनिक नहीं, घबराना नहीं, उनसे रीजन पूछना है क्यों सर, क्या काम है, ऐसा पर्पज क्या है आपका। तो अगर वो रीजन बताते हैं तो ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, रीजन बताने के बाद अगर वो पुलिस डिपार्टमेंट से है, सर्च वारंट है उनके पास, या तो अरेस्ट वारंट है, तो वो डॉक्यूमेंट भी आप चेक कर सकते हैं उनको, उनसे उनके पास से उनको प्यास यानी कि भी शांति से बात करके उनसे आप पहचान सकते हैं उनको। पहले चेक करना है, फ्रॉड भी ऑफिसर्स आ सकते हैं कभी कभी कंपनी में, तो पहले उनका आईडी कार्ड भी चेक करना है कि वो लीगली डिपार्टमेंट से है क्या, बराबर है क्या, कभी कभी फ्रॉड ऑफिसर्स भी आते हैं, तो दोस्तों ये पहले चेक करके लेना है। उसके बाद में उनका आइडेंटिटी कार्ड भी चेक करना है, वो कौन से डिपार्टमेंट के है कौन से, ये सब होने के बाद उनका विजिटर रजिस्टर में एंट्री करना है दोस्तों। ये सब करते समय पोलाइटली बात करनी है, उनसे कोऑपरेशन करना है और उसके साथ हिसाब से आपको ड्यूटी करनी है दोस्तों। उसके बाद में विजिटर एंट्री रजिस्टर में उनका नाम, डिपार्टमेंट जो भी है, वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन से है, सब उनका एंट्री करके लेना है दोस्तों। उसके बाद में उनको जो भी रिसेप्शन होगा उसकी नजदीक वाली मीटिंग रूम या कॉन्फ्रेंस रूम होगी, उधर उनको भेंट आना है दोस्तों। और उसके बाद आप उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, तुरंत अपना जो सीनियर ऑफिसर है, या तो सुपरवाइजर रहेगा, एसओ रहेगा, एसएसएम रहेगा, सीएसएम रहेगा, उनको इन्फॉर्म करना है दोस्तों क्या ऐसा ऐसा डाउन रेड हुआ है। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, वो लीगली ऑफिसर जो भी आपका लीगली कंपनी का एडवाइजर होगा उनसे बात होती है, वो लीगली एडवाइजर आने तक उनको रोकने के लिए बोलना है। अगर वो नहीं मानते हैं दोस्तों, कोई कोई ऑफिसर बनता है हमारे पास वर्क नहीं है कुछ नहीं है, तो उनको कंपनी में अगर छोड़ना चाहते हो तो उसके साथ कोई तो कंपनी का आपका प्रेजेंटेटिव होना चाहिए, या तो कोई भी आपका सिक्योरिटी पर्सन होना चाहिए, यानी कि उसको एस्कॉर्ट करके जाना है दोस्तों। जब भी आप कंपनी अंदर जाएंगे तो आपके सीनियर एसएसएम को, लीगल एडवाइजर को बताया, उसके बाद वो नहीं मानता है तो उसके साथ क्या करना है, एस्कॉर्ट करना है दोस्तों, उसके साथ में जाना है आपको जब भी जो वहां जाना चाहते हैं उनको, क्योंकि आप उनके जो भी पुलिस ऑफिसर आएगा या तो कोई भी गवर्नमेंट के कायदे कानून होते हैं कि उनसे हम उनको क्या नहीं मना नहीं कर सकते दोस्तों, तो उनको हेल्प करनी है, हमारा हेल्पफुल नेचर होना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए उनको, तो उनके साथ जाना चाहिए, इसको उसको एस्कॉर्ट देना चाहिए। कोई भी एक बंदा कंपनी का प्रेजेंटेटिव है उसके पास जाएगा और उसके साथ वो जाएंगे,
जब भी कंपनी में वो राउंड लेंगे तो दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट उठाते हैं, कौन से डेस्क से लेते हैं, वो सब नोट डाउन करते जाना है। और जो भी डॉक्यूमेंट उठाएंगे, जो भी ये नोट्स उठाएंगे, तो उसका एक जाते टाइम उनको फोटोकॉपी लेना है, उससे जेरोक्स लेना है, ताकि आप आपके सीनियर को बता सकते हो कि ये इससे ये डॉक्यूमेंट उठाए उन्होंने, ये ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा किया, ये सब नोट डाउन करते रहना है, जब ताकि आपके आप सीनियर को बता सके, और आपका सीनियर जो भी लीगल एडवाइजर है कंपनी का, उनको ये सब डिपार्टमेंट है, ये जो भी हुआ है, जो जो डॉक्यूमेंट लिए है, वो सब बता सकता है दोस्तों। यानी कि आपको जब भी कोई डाउनटाइम होती है दोस्तों, तो क्या करना है दोस्तों, भी कामफुल रहना है, पैनिक नहीं होना है, और हेल्पफुल रहना है दोस्तों। उनके साथ ग्रेटिंग करने के बाद जो भी है उनको हेल्पफुल हेल्प करनी है दोस्तों, जो भी पूछेंगे उनका सवालों का जवाब देना है, और उनका हो सके तो उनसे उनका डिपार्टमेंट कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, उनका नाम क्या है, वो सब आपको नोट डाउन करना है दोस्तों, ताकि आपको जो भी आपका सीनियर है पूछे तो उसको देने के लिए, आपको इंसिडेंट रिपोर्ट बनाने के लिए आपको ठीक तरह से वो कितने बजे आए, कहाँ कहाँ गए, कौन सा डॉक्यूमेंट उठाया, उसका फोटोकॉपी आपको लेके रखना है दोस्तों। तो दोस्तों डाउनग्रेड आने पर क्या करना है दोस्तों, और क्या क्या आपका प्रोसीजर रहेगा, ये मैंने आपको बताया दोस्तों। मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।